एकादशी का व्रत हमें नरकों में न ढकेल दे, इसलिए अगर हम एकादशी व्रत करते हैं तो हमें ये बात जानना जरूरी है कि शास्त्रों में कौन सी एकादशी करने का निर्देश दिया गया है। अभी हम यहाँ भागवत या स्मारत एकादशी की बात नहीं कर रहे हैं। शास्त्रों में आता है कि यदि दशमी तिथि एकादशी तिथि को स्पर्श करती है तो वो व्रत उपवास के लिए निषिद्ध है। जो एकादशी तिथि द्वादशी तिथि को स्पर्श करती हो वो व्रत के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि सूर्योदय के पहले चार दंड काल यानी 1 घंटा 36 मिनट में यदि दशमी नाम मात्र भी रहती है तो भी उस एकादशी को उपवास नहीं करना चाहिए। स्कंद पुराण में उमा महेश्वर संवाद के अंतर्गत आता है कि जो दशमी युक्त एकादशी करता है वह निश्चय ही नरक वास की इच्छा करता है। ब्रह्म पुराण में धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों के विनाश के कारणों में एक कारण यह भी बताया गया है कि पहले पत्नी के साथ उन्होंने दशमी संयुक्त एकादशी में व्रत उपवास किया था। अभी जो 11 अगस्त 2023 को आने वाली एकादशी है वो दशमी युक्त है। भले ही दशमी सूर्योदय के पहले ही क्यों नहीं खत्म हो गई हो, परंतु दशमी खत्म होने का काल सूर्योदय के 1 घंटा 36 मिनट के अंदर का है, इसलिए 11 तारीख की एकादशी का व्रत नहीं करके 12 तारीख की एकादशी का व्रत करना चाहिए।